गुड मॉर्निंग दोस्तों, और पता नहीं मुझे कितनी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ फ़िलहाल मतलब मैं वियतनाम के अंदर हूँ, हनोई सिटी के अंदर। मतलब आप लोगों को ये तो मालूम है ही ऑलरेडी कि मैं वियतनाम के अंदर हूँ, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि हनोई सिटी से थोड़ा सा बाहर की साइड में मैं रहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज मज़दूरी करने के लिए हनोई सिटी के अंदर आया था, मज़दूरी कैंसिल हो गई। ठीक है, मतलब आज की जो दिहाड़ी बननी थी मेरी वो आज कैंसिल हो गई मॉर्निंग के टाइम पर। सुबह सुबह 6:30 बजे घर से निकल गया था मज़दूरी करने के लिए। अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम और है तो मज़दूरी करने के लिए, तो फ़िलहाल बस इंतज़ार कर रहा हूँ इस कैफ़े के अंदर। तो मैंने सोचा बैठे बैठे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का कैफ़े का ही नज़ारा ही दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली यहाँ पर जिस फैक्ट्री के अंदर मैं काम करने आया हूँ। ठीक है, मतलब जो भी मैं बातें कर रहा हूँ फ़िलहाल एक तरीके से वो मज़े ना कर रहा हूँ, वो फैक्ट्री मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जहाँ पर जो भी मैं अपनी मजदूरी करने जाऊँगा। ठीक है, फनी वे में बस आप लोगों को बोल रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए कि इंतज़ार करना है। और इंतज़ार करने के लिए कैफ़े पास में था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए यहीं पर वीडियो शूट करके आराम से जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं, दिखा भी देते हैं आपको कि किस तरीके का कैफ़े वगैरह है यहाँ पर। तो बेसिकली ये कॉफ़ी कैफ़े है और इसके साथ साथ खाने पीने का आइटम तो खैर नहीं है, तो वही है जूसेस कॉफ़ी चाय वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। बाकी कुछ फेसबुक के ऊपर जो है जो यहाँ का ग्रुप्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर कुछ पोस्ट वगैरह डाली है। तो देखो यहाँ पर मे बी कि कोई हो सकता है कि जो पायनियर है वो शायद यहाँ पर कोई मिलने के लिए भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ पर टेक्स्ट किया था। और मेरे पास में अभी मतलब यहाँ पर अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30। ठीक है, एक तो लगभग 3 घंटे 3-3.5 घंटे के आसपास मेरे पास में हैं, 3.5 घंटे तक वेट करना है। तो 3.5 घंटे यहाँ पर स्पेंड करना कैफे के अंदर ठीक भी है और नहीं भी, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा तो होगा ही होगा, लेकिन वर्थ ही होगा। जो दोपहर में अपना जो भी काम मैं यहाँ पर करूँगा उसके हिसाब से वर्थ ही होगा, पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2 घंटे की थोड़ा सा अगर मैंने यहाँ पर कुछ काम वाम कर लिया तो हो जाएगा अपना। बाकी अभी थोड़ा सा दोस्तों ये है कि इस तरीके कंटेंट में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस अभी डाउन हो रहा है इस चैनल पर वीडियोज़ डालने के लिए वो थोड़ा सा फ़ोन कैमरे की वजह से हो रहा है। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी कर रहे हो कम से कम वो थोड़ा बहुत तो मतलब बेस्ट होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। पर अभी जिस तरीके का कैमरा यूज़ करके मतलब मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सपोर्ट दो, सपोर्ट दोगे तो हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और मे भी बहुत जल्द शायद ये जो प्रॉब्लम है वो दूर भी हो जाए। घुमा घुमा करके दोस्तों आप लोगों को एंगल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है यहाँ का कैफे और ये देख सकते हो इधर की साइड में है वो पूरा खाली पड़ा है। बाकी मीटिंग पॉइंट्स है और ऑफिस वगैरह जाने से पहले भी लोग ब्रेक ब्रेक के टाइम पर आ जाते हैं, बट ये है कि देखो अभी फ़िलहाल 9:30 बजे, लेकिन सुबह उठते ही लोग अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पीने या मीटिंग्स करने या जो भी अपना ऑफिस आवर्स है उससे पहले ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो चीज़ें शाम को होनी चाहिए इस तरीके से वो यहाँ पर मॉर्निंग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत सारी जगह पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन सिटी में बल्कि बहुत सारी जगह पर पूरे वियतनाम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कैफे हैं। हनोई सिटी के पास में भी बहुत अच्छे अच्छे कैफे हैं, तो ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो वो आप देख सकते हो वहाँ पर रिसेप्शन है, काउंटर, बाकी मैंने अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करी थी यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लिया कॉफ़ी से और देखता हूँ बाद 1 घंटे के बाद थोड़ी सी इच्छा होगी तो लेंगे कॉफ़ी। बाकी फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है कि यहाँ पर मॉर्निंग सुबह के टाइम पर मतलब बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं
जैसे ही वो वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ काम किया जाएगा 2-3 घंटे के लिए, बाकी अपना आप लोगों को पता ही है कि जो भी कंटेंट्स है वो तो यहाँ पर है ही। हाँ, बाकी जो यूज़र्स, जो व्यूअर्स, जो डीके डिजिटल कैश वाला जो चैनल है क्रिप्टो का, ठीक है, तो 2 दिन से उस पर कोई अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। 2 दिन से थोड़ा सा बिज़ी था मैं, शेड्यूल काफ़ी बिज़ी था पूरा 2 दिन, मतलब एक तरीके से घूमना फिरना लगा रहा, घूमने से मतलब मेरे कुछ काम के पर्पज़ से ही थोड़ा सा मतलब 2 दिन बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाया कि क्रिप्टो के लिए कुछ कंटेंट डालूँ। बट मे बी कि आज शाम को जो है उस चैनल पर डालूँगा, बट फिलहाल तो अभी यहाँ पर ये आप लोगों को अपडेट दी है आज की मॉर्निंग की वियतनाम के अंदर, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ अगर और भी कुछ यहाँ पर होता है आने वाले 2-3 घंटे के अंदर यहाँ पर अगर कुछ होता है तो वो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी तो फ्री बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं और जाता हूँ तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों यहीं पर मैं चल मान रहा हूँ, बाकी पूछ सकते हो क्योंकि मैं बिल्कुल तुरंत के तुरंत ये वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो। दोबारा से वीडियो बना करके मतलब आप लोगों के साथ में जो आपके सवाल होंगे उसके जवाब, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स उस वीडियो के अंदर यहाँ पर बैठे बैठे मैं बना करके दे दूँगा। तो कोशिश करो कि अगर आपका कोई सवाल है, कुछ कंसर्न है वियतनाम को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सको। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ।